नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंडिया और मैं हूं आपके साथ जय सिंह। अपने आप को आजकल हिंदुओं के साथ बताने वाली कांग्रेस पार्टी कितनी झूठी है, आज इसका पर्दाफाश हम आपके सामने करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप कांग्रेस के काले सच के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर पर कांग्रेस के स्टैंड की। तो राम मंदिर देश के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अपने आप को इससे अलग करती नजर आई है शुरू से ही। अब इसका सबूत आपको हम देते हैं कि आप कपिल सिंबल को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, ये वही कांग्रेस के नेता है और वकालत भी करते हैं। इन्होंने हाल ही के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर चल रही सुनवाई के बीच कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा था कि इस सुनवाई को 2019 जुलाई तक टाल दिया जाए। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा था ताकि ये हिंदुओं को बरगलाने में कामयाब हो जाए, पर ये चुनाव हार गए। जनता ने इनको जोरदार तमाचा जड़ दिया। कांग्रेस हिंदू विरोधी कैसे है, इसका दूसरा सबूत हम आपको देते हैं कि कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था कि राम और सीता ये सब जो भारत में भगवान के तौर पर पूजे जाते हैं, ये सब काल्पनिक किरदार है। अब आप ही बताइए, इससे बड़ा दोगलापन और क्या होगा। जिस बात को पूरा देश मानता है, कांग्रेस उसी बात को नहीं मानती है। अब आपको कांग्रेस के एक और पाप के बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने हिंदू आतंकवादी शब्द का आविष्कार किया था, आपको पता हो तो। हिंदू आतंकवादी होता है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। अब आप सोचिए कि ये कितने नीच दर्जे की बात है। कांग्रेस के राहुल बाबा तो और भी महान है। उनका कहना है कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, यानी ये राहुल गांधी का सीधा हमला हिंदुओं की आस्था पर है। नेहरू, जिसे कांग्रेस आज तक महान बताती आई है, वो भी हिंदू विरोध में अंधे हो गए थे। जब सोमनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण हो रहा था, तब गांधी इस फैसले के साथ थे, पर नेहरू इस फैसले के खिलाफ। अब आप ही बताइए कि किस आधार पर कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं के साथ देने वाली पार्टी माना जाए। जब ये हमेशा हिंदुओं का विरोध करते आए हैं, तो ये कैसे हिंदुओं के साथ हुए। रामविलास वेदांती, जो कि राम मंदिर निर्माण के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उन्होंने भी अपनी जान को कांग्रेस के एक बड़े नेता से खतरे में बताया है। ये हाल ही की खबर है, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से आई है। अब आप ही देखिए कि कांग्रेस किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रही है। अब आप ही देखिए कि कांग्रेस किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रही है। यही नहीं, जिस सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी नजर आई है, उनका सच ये है कि उसे पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। पूर्व सांसद ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड एक तरफ से ये भी कहता है कि उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन का पैसा नहीं है, और दूसरी ओर अयोध्या मामले में पैरवी के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में महंगे से महंगे वकील खड़े किए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक मदद के बिना यह मुमकिन होना संभव नहीं दिख रहा है। इससे बड़ा पाप और क्या करेगी कांग्रेस वाला। कांग्रेस खुद को भले ही बहुत साफ सुथरी और हिंदुओं के साथ वाली पार्टी बता दे, मगर हकीकत में वो हिंदुओं के खिलाफ ही रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कांग्रेस के बारे में और हिंदू आस्था के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।